हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के वे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश जीके से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया है जो बार बार रिपीट होते हैं। साथ में आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चनों की बिल्कुल विस्तार के साथ व्याख्या की है और आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, 9 जुलाई 1925 को, 16 फरवरी 1925 को, 15 अगस्त 1925 को या फिर 9 अगस्त 1925 को। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लास्ट में आपको ये जरूर बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को आपका उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ये कैसे हुआ था, इसका विस्तारपूर्वक हम व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, बड़े से ध्यानपूर्वक की पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है, 9 अगस्त 1925 को रेल से ले जाए जा रहे सरकारी खजानों को क्रांतिकारियों द्वारा लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के पास लूट लिया गया था। यह कांड काकोरी कांड के नाम से भारतीय स्वतंत्र संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों, एक क्वेश्चन तो ये आता है कि आपका काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका नाम काकोरी कांड क्यों रखा गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पर क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास एक स्टेशन है काकोरी रेलवे स्टेशन, यहाँ पर क्या किया था, गाड़ी को रोक लिया था और उसमें जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया था और उसी को यहाँ पर बोला जाता है काकोरी कांड। लेकिन दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि इस के लूटने की योजना थी वो किसने बनाई थी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शाहजहाँपुर में बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। ये तो ये आपको याद रखना है कि ये कांड आपका 1925 में हुआ था 9 अगस्त, और इसकी जो योजना बनाई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी और ये काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुआ था लखनऊ में, इसलिए इसको काकोरी कांड कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं, 1194 ईस्वी, 1205 ईस्वी, 1188 ईस्वी या 1199 ईस्वी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ से एक आंसर आपको मिल गया है कि चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद की हार और मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि चंदावर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी, इसमें जयचंद की हार हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहां पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद का पूर्वी नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो पहले इटावा जिले के अंतर्गत आता था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका चंदावर युद्ध हुआ था वो फिरोजाबाद में हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों, जो फिरोजाबाद था पहले वो आपका इटावा में आता था, लेकिन अब यहाँ पर फिरोजाबाद एक जिला बन चुका है। अब आगे इसमें लिखा हुआ है, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 ईस्वी में भारत पर पुनः आक्रमण किया था। बाद के आक्रमण में गौरी ने पृथ्वीराज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को
चंदावर में पराजित किया। जयचंद कन्नौज का राजा था और कहा जाता है कि उसने पृथ्वीराज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गौरी को निमंत्रण दिया था। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको विस्तारपूर्वक व्याख्या कर दी है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि चंदावर का युद्ध हुआ था वो 1194 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फिरोजाबाद में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें किसकी मृत्यु हुई और हार हुई? इसमें जयचंद की हार हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, जयचंद किसका राजा था? तो कन्नौज का राजा था, ये भी आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों काफ़ी आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगर दोस्तों आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी, 1554 ईस्वी, 1527 ईस्वी या फिर 1524 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि खानवा का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था तो हम ये जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बावर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो यहां से आपको याद रखना है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वो 16 मार्च 1527 को हुआ था। कहां पर हुआ था? आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो बावर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांग के मध्य हुआ था। तो याद आपको याद रखना है। साथ में इसमें लगा हुआ है, पानीपत के युद्ध के बाद बावर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो युद्ध था वो बावर के द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बावर के द्वारा दूसरा सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? तो खानवा का युद्ध बावर द्वारा लड़ा गया सबसे बड़ा दूसरा युद्ध था। अब हम इसको एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बावर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बावर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर पूरी व्याख्या सहित दूंगा, जिससे कि दोस्तों आपके यहाँ पर सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मिल गया होगा, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1605 ईस्वी, 1627 ईस्वी, 1658 ईस्वी या 1650 ईस्वी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो 1658 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को मुगल बादशाह शाहजहाँ के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी शेष सेना में भगदड़ मच गई और जिसके कारण दारा युद्ध हार गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सामूगढ़ का जो युद्ध था वो 29 मई 1658 को हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो मुगल बादशाह शाहजहाँ के पुत्रों दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, जिसमें आपका दारा युद्ध हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि इसकी सेना ने दारा शिकोह को हाथी पर बैठा हुआ न देखकर उसकी सेना में भगदड़ मच गई थी, जिसके कारण वो युद्ध हार गया था। आपका अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जौनपुर या ऑप्शन डी आगरा।
आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ पर स्थित है और ये किसने बनवाया था। तो सबसे पहले हम बुलंद दरवाजे के बारे में पढ़ लेते हैं और इसके बाद आप इसका खुद आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो क्वेश्चंस मिल गए कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ था, तो 1602 ईस्वी में हुआ था, किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, ये कहाँ पर स्थित है, तो आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर ये स्थित है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुलंद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बुलंद शब्द का जो अर्थ होता है वो महान या ऊंचा होता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार क्या है, तो बुलंद दरवाजे को हम विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहते हैं, जो कि आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप कहाँ पर स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका चौखड़ी स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है और ये कह सकते हैं ये एक बौद्ध स्मारक है जो कि सारनाथ में स्थित है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ विशेष बातें। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, सारनाथ स्थित प्रमुख स्मारक चौखंड स्तूप है जो सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना है। ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है और वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका चौखंड स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है और ये भी कह सकते हैं कि ये वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री हैन सोंग ने भी किया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि ये आपका एक बौद्ध स्तूप है जो कि सारनाथ में स्थित है। आपका अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है। ऑप्शन ए मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल और कुषाण काल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है उसमें जो शिलालेख स्थित है वो आपका शुंग काल का है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार UP SSSC UPSC एग्जाम में आ भी चुका है। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में स्थित शिलालेख है वो किस काल का है, तो शुंग काल का है, ये आपको याद रखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी तो इसमें दिल्ली लगा कर आते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका आगरा। आपका जो मुगल कालीन लाल किला है वो आगरा में स्थित है और आपको बगैर किसी सोच के आगरा को टिक करना है और आगरा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जब कभी कोई क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में जो लाल किला है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका आगरा में स्थित है। आपका अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर बिंदुसार। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका जो मथुरा था एक वो बौद्ध धर्म का प्रतीक था और बौद्ध धर्म को यहाँ पर हम अशोक के नाम से जानते हैं, इसलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में अशोक शासक का स्तंभ लेख स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जोधाबाई अकबर की रानी मतलब पत्नी थी, लेकिन ये कौन से नंबर की पत्नी थी। तो मैं आपको बता दूँ कि अकबर की दूसरी पत्नी का नाम जोधाबाई था, जिसके लिए अकबर ने एक महल का निर्माण किया था जिसको हम जोधाबाई महल के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, तो इसके बारे में आपको बता देता। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जोधाबाई का महल
आगरा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि जोधाबाई का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जिला कौन सा है? आगरा। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। निर्माण का काल क्या है? मुगल काल है। तो दोस्तों यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोधाबाई का जो महल बनाया था वो किस काल में बनवाया गया था? तो मुगल काल में बनवाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में देसलाई बनाने का कारखाना नहीं है? अब आपको यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें देसलाई बनाने का कारखाना नहीं है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आगरा। आगरा में दोस्तों कोई भी देसलाई बनाने का कारखाना नहीं है। बरेली में है, इलाहाबाद में है और आपका सहारनपुर में भी है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? अब ये आपको बताना है कि त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपका त्रिवेणी लिमिटेड कारखाना स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, दोस्तों एग्जाम में इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ जिससे कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस न कर सकें और आप अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो सकें। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो दोस्तों नोएडा में कोई भी कारखाना नहीं है आपका, बरेली व रामपुर में भी कोई कारखाना नहीं है, मंसूरपुर में भी कोई कारखाना नहीं है। आपका जो कारखाना है वो चुर्क व डल्ला में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट के कारखाने हैं वो चुर्क व डल्ला में स्थित हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में काफ़ी पूछा भी जा चुका है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ। तो इस तरीके दोस्तों आपने 15 क्वेश्चंस को पढ़ा, 15 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।